हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई में स्वागत है। आज की रेसिपी है चिल्ली मशरूम बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं चिल्ली मशरूम बनाना। चिल्ली मशरूम बनाने के लिए ये हमने 250 ग्राम मशरूम लिए हैं। ये हमने एक मशरूम में से 4 टुकड़े कट कर लिए हैं इस प्रकार से। इसको हमने अच्छे से धो लिया है और एक कपड़े से पोंछ लिया है। और ये हमने 3 शिमला मिर्च ली हैं, इनको हमने इस प्रकार से टुकड़ों में कट कर लिया है। 3 ही हमने बड़े प्याज लिए हैं, इनको भी इसी प्रकार से हमने टुकड़ों में कट कर लिया है। 4 चम्मच हमने अरारोट लिया है। और ये हमने लहसुन, अदरक और एक हरी मिर्च, इसको हमने चॉप कर लिया है। लहसुन की हमने 5 से 10 कलियां ली हैं। और ये अदरक का एक टुकड़ा लिया है, इसको हमने चॉप कर लिया है। और एक हरी मिर्च को हमने बारीक कट कर लिया है। ये केचप सॉस ली है हमने, ये 3 चम्मच हमने केचप सॉस ली है। और ये हमने मंचूरियन मसाला लिया है, ये वाला हमने, ये एक पैकेट है हमने ये लिया है। और ये विनेगर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने गैस पे ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम ये मशरूम को मैंने एक अलग बाउल में निकाल लिया है मशरूम को। अब हम इसमें अरारोट मिक्स करेंगे। ये हमने 3 से 4 चम्मच अरारोट लिया है। चौथाई चम्मच मैं इसमें नमक डालूंगी और चौथाई चम्मच मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डालूंगी। और इसे मैं हाथ से मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी बूंदे पानी की डालूंगी। जिससे कि इस पे ये अरारोट अच्छे से चिपक जाएगा। थोड़ी सी बूंदे और डालूंगी मैं पानी की इसमें। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें मशरूम को छोड़ूंगी। और इन्हें मैं फ्राई कर लूंगी अच्छे से। और मशरूम हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें मैं प्लेट में निकाल लूंगी। और इसी प्रकार से मैं अपने सारे मशरूम को फ्राई करूंगी। ये हमारे मशरूम फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी मैं प्लेट में निकाल लूंगी। ये हमारे मशरूम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये मैंने कढ़ाई ली है, अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये प्याज डालूंगी, इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी मैं प्याज को। अब मैं प्याज के साथ ही ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल दूंगी, जिससे कि ये भी भून जाए साथ में ही। अब मैं ये शिमला मिर्च डाल दूंगी इसमें। ये
प्याज और शिमला मिर्च को हमें ज्यादा नहीं पकाना है। अब मैं इसमें चौथाई चम्मच नमक डाल दूंगी, आप नमक अपने स्वाद अनुसार डालना, और चौथाई चम्मच इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी। चौथाई चम्मच मैं इसमें काली मिर्च डाल दूंगी क्योंकि हमने पहले से मशरूम में काली मिर्च डाली हुई है, और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। गैस की फ्लेम को हमें स्लो पर ही रखना है। अब जो ये मैंने मंचूरियन मसाला लिया है पानी से घोलूंगी। आप चाहे कॉर्नफ्लोर या अरारोट भी ले सकते हैं, और मैं इसमें सोया सॉस का इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि इस मंचूरियन मसाले में पहले से ही सोया सॉस मिक्स होती है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी इसे, तब मैं पानी डालूंगी इसमें और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। साथ ही मैं इसमें टमाटर सॉस डाल दूंगी। ये 3 बड़े चम्मच मैंने टमाटर सॉस लिए हैं, और 1 ढक्कन मैं इसमें विनेगर डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। मैं मिक्स हो चुका है सॉस, इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें ये मशरूम डाल दूंगी और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये हमारा चिल्ली मशरूम बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे एक बाउल में सर्व करूंगी। ये हमारी चिल्ली मशरूम बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।